भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट मैच पूरे तरीके से इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के 578 रनों के जवाब में भारतीय टीम फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। भारतीय टीम यहाँ पर 84/4 है, लेकिन 30वें ओवर में ऋषभ पंत का ऐसा भयानक तूफान आया कि उन्होंने पूरे तरीके से इंग्लैंड के सबसे अच्छे गेंदबाज बुमराह आर्चर के परखच्चे उड़ा दिए। दरअसल यहां पर ऋषभ पंत आर्चर की दो गेंदों पर लगातार दो चौके जड़कर पूरे तरीके से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल पुजारा और पंत क्रीज पर हैं और यहां पर उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। पुजारा एक एंड पकड़ कर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी अपने बल्ले का लोहा मनवा रहे हैं। यही बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम को अब एक अच्छी बल्लेबाजी की एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि 578 का पहाड़ जैसा टोटल इंग्लैंड की टीम ने बना दिया है और अब इस टोटल से बचने के लिए टीम इंडिया को बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर भारत अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेगा तो भारत के लिए ये टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच को जीत तो नहीं सकता, ये बात तय है। अब भारत को अच्छी बल्लेबाजी ही करनी होगी कि कम से कम वो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ तो करा जाए, क्योंकि अगर ये ड्रॉ नहीं करा पाएंगे तो ये चेन्नई टेस्ट मैच साफ दिख रहा है कि इंग्लैंड की पकड़ में जाता नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरीके की पारी यहाँ पर पुजारा खेल रहे हैं और पंत उनके साथ फिलहाल डटे हुए हैं, तो भारतीय टीम को काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। वहीं इंग्लैंड के गेंदबाज काफ़ी अच्छे तरीके से ट्राई कर रहे हैं। डॉम बेस का एक काफ़ी अच्छा स्पेल आया जिसमें उन्होंने रहाणे और विराट को आउट किया। पुजारा फिलहाल 30 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद है, लेकिन जिस तरीके से आर्चर का कुटापा मचाया है पहले शुभमन गिल ने और उसके बाद ऋषभ पंत ने, तो ये बात तो तय है कि भारतीय टीम अब काफ़ी शानदार तरीके से मैच में वापस आने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करके आई है। युवा खिलाड़ी गिव अप नहीं करें। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।